नमस्कार, ललितपुर लाइट टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इंदौर से चलकर जम्मू तवी की ओर जाने वाली मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की कंपलिंग टूटने से ट्रेन दो भाग में बट गई, जिससे ट्रेन में सवार यात्री घबरा गए। हालांकि इस पूरे हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। घटना के कारण ट्रेन को करीब 2.5 घंटे देरी से गंतव्य स्थान को रवाना किया गया। ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के तुवन चौराहे पर एक व्यक्ति का कुछ लोगों द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक के साथ कई लोग खुलेआम बीच सड़क पर मारपीट करते देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मसौरा में एक गल्ला व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना निकली फर्जी। उक्त घटना में दो बाइक सवार व्यक्तियों का किसी बात को लेकर हुआ था विवाद, जिसके चलते हुई थी दोनों में मारपीट। थाना कोतवाली ललितपुर अंतर्गत एक गल्ला व्यापारी के साथ दो अज्ञात अराजक तत्वों द्वारा आंख में मिर्ची डालकर मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। व्यापारी द्वारा बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया था, किंतु बाद में वह भाग गया। व्यापारी के साथ किसी प्रकार की कोई लूट की घटना नहीं हुई है। व्यापारी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पूरा घटनाक्रम CCTV में रिकॉर्ड है। CCTV फुटेज के आधार पर शीघ्र ही दोनों अराजक तत्वों को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ललितपुर जिले के थाना तालबेट पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में अलग अलग जगह छापा मारकर 1060 लीटर अवैध कच्ची शराब मौके से बरामद की तथा 18,000 लीटर लहन मौके पर ही नष्ट कर दिया। अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान में शराब 5 भट्टियों का भी मौके पर ही नष्ट नाबूद कर दिया गया। इस छापामार कार्रवाई के दौरान 5 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना तालभेट के अंतर्गत ग्राम गणेशपुरा में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, जहां पर अवैध रूप से भट्टियां संचालित करके तकरीबन 1060 लीटर जो बनी हुई अवैध शराब थी, कच्ची अवैध शराब, वो बरामद की गई है। 1,000 लीटर जो लहन वहां पर मौजूद था उसको नष्ट किया गया है और इसमें एक अभियुक्त छोटेलाल सहित 4 अन्य महिलाएं भी थी जो यह कार्य संचालित कर रही थी, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त पंजीकृत किया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर जिले के तालबेट क्षेत्र अंतर्गत लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के झांसी ललितपुर लोकसभा प्रभारी नागेंद्र गुप्ता ने गहोई धर्मशाला में समाज के पदाधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिचंद रावत तथा तालबेट नगर के नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार उपस्थित रहे।